हेलो फ्रेंड्स, एसएससी क्लास बाई संजय सर में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्यूब के कुछ क्वेश्चन जो एसएससी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब की भुजा एन गुनी कर दी जाए तो क्यूब के वॉल्यूम में कितनी वृद्धि होगी। इसकी ट्रिक है एन क्यूब माइनस वन इंटू हंड्रेड। अगर क्यूब या घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना हो तो इसकी ट्रिक है एन स्क्वायर माइनस वन इंटू हंड्रेड। यहाँ पर एन क्या है, जितने गुना कर दी। अगर हम उसकी घन की साइड को जितने गुना कर दें वो है यहाँ पर एन। तो आयतन में एन क्यूब, क्षेत्रफल में एन स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब देखिए एग्जाम्पल। घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो आयतन की ट्रिक क्या है, एन क्यूब माइनस वन इंटू हंड्रेड। यहाँ पर एन की वैल्यू निकालना है। ये आप भिन्न के रूप में इसको चेंज कर लिया करिए। 50% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब 150%, 150। 50% की वृद्धि का ही तो 150, तो 150 अपॉन 100। इसको जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3/2, तो एन की वैल्यू आ गई 3/2। यहाँ पर एन की वैल्यू आप पुट कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 237 सही, 1/2%, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अभी हमने ऊपर लिया था आयतन में कितनी वृद्धि होगी, अब हम ले रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। इसकी ट्रिक है एन स्क्वायर माइनस वन इंटू हंड्रेड। यहाँ पर भी एन 50% की वृद्धि, तो 150 अपॉन 100।